सबसे पहले आईओपी के द्वारा प्रकाशित इस आर्टिकल पर एक नज़र डालिए। इसमें जो हाईलाइटेड सेंटेंस है उसे देखिए। तो क्या देखा आपने? ये एक एनवायरमेंटल लेटर है। इसमें जो हाईलाइटेड वाक्य हैं वो जल्द ही पूरे विश्व के लिए सामान्य घटना बन जाएगी और इसका प्रमुख कारण है क्लाइमेट चेंज। Catastrophic climate change outcomes, including human extinction, are not being taken seriously enough. Hundreds of people are protesting the expansion of an open-air coal mine. Heat waves, droughts, extreme precipitation, even fire. 3 degrees of warming is really disastrous. The scary thing is, the world is well on its way there. Rising seas also mean storms cause more floods. Wow, oh my God, that's actually really hot. You can see the steam coming off it. And many more countries could suffer. India pledged this week that by 2030, half of its energy will come from renewable resources. India is at the cusp of making a revolutionary energy transition. Our survival is solar energy. The center of our existence is solar energy. India is set to spend $2 billion to develop green hydrogen. Can India go green when so many of its people are simply struggling to survive? जय हिंद। मैं लावा सिद्दीकी। मैं शैलुषी। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक सोच। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें मैं आसान शब्दों में बताना चाहूंगी। क्लाइमेट चेंज यानी कि पृथ्वी के तापमान का औसत से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाना, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका मुख्य कारण और कोई नहीं, हम आप नॉर्मल इंसान है, क्योंकि हमारी कई सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो कि हमारे पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती है, जैसे पेड़ों की कटाई करना, जानवरों पर अत्याचार करना, जानवरों को बेतहाशा मारना, और तो और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं, कचड़े इत्यादि कई सारे अन्य ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी को कई सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। जंगलों में आग लगने के बढ़ते हुए मामले, ग्लेशियरों का पिघलना तथा चक्रवात में बढ़ोतरी, यह सब जलवायु परिवर्तन के ही नतीजे हैं। हमारा देश भारत, जो कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस साल G20 2023 की अध्यक्षता भी कर रहा है, जो कि हमारे देश के लिए गौरवशाली बात है। इस बार केंद्रीय बजट में ग्रीन एनर्जी को लेकर 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। और भारत ने जो इस मुद्दे के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन किया है, उससे हम ये भी देख सकते हैं कि भारत इस मुद्दे को लेकर कितना ज्यादा गंभीर और सचेत है। केंद्रीय बजट 2023 के बारे में अच्छे से जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम एक भारतवासी हैं, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में ऊर्जा संसाधनों की कितनी बड़ी आवश्यकता है, और हमारा देश इस विषय पर लगातार प्रयास भी कर रहा है, जिसमें ग्रीन एनर्जी एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता है। केंद्रीय बजट 2023 में यह भी बताया गया है कि भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा खपत का 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से बनने वाले ऊर्जा संसाधनों पर भी विकास के लिए अग्रसर है। इसके साथ ही सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। केवल इतना ही नहीं, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में कई अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में कोस्टल शिपिंग को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, और साथ ही सोलर सिटी, सोलर पार्क को भी बनाना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी के लिए भारत का वैश्विक स्तर पर भी प्रयास जारी है, जिसमें हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना भारत का वैश्विक स्तर पर प्रयास है। इसके लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस योजना में एक ही पावर ग्रिड के माध्यम से पूरे विश्व में सौर ऊर्जा सप्लाई करना इस योजना का बड़ा लक्ष्य है। इसके साथ ही विंड, सोलर हाइब्रिड और ग्रीन हाइड्रोजन की संरचना का विकास इसमें शामिल है। हाइड्रोजन ट्रेन, जिसे कि हाइड्रो रेल के नाम से भी जाना जाता है, भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से ये भी एक है। इसमें सभी प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम इन सब के बारे में आज बात करना चाहेंगे। उसी कड़ी में आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत के हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट की पुष्टि तब हुई जब 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने औपचारिक घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इस साल 1 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी।
भारत की हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक से किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती है और यह अन्य ट्रेनों से कैसे भिन्न है। हाइड्रोजन ट्रेन, तो जैसा कि आप सब नाम से ही पता चलता है कि ये आम ट्रेनों की तरह नहीं, ये हाइड्रोजन ट्रेन है जो कि डीजल पेट्रोल द्वारा नहीं चलती है, जिससे कि हमारे पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। इस ट्रेन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके चलने पे जरा सा भी धुआं तथा शोर नहीं होगा। इसमें से पानी की बूंदें निकलेंगी जो कि इसके लिए हितकारक होगी। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के सोनीपत जींद सेक्शन में किया जाएगा। भारत में ये ट्रेन सबसे पहले हेरिटेज रूट्स पे चलाई जाएंगी, जैसे कालका, शिमला, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्य कई ऐसे स्थान। तो ये मौका आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है कि आप जाइए और इसका लाभ उठाइए। तो आइए जानते हैं कि हमारे देश से पहले ये ट्रेन कहाँ कहाँ और चल चुकी हैं, जैसे जर्मनी और चाइना। ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत से पहले ही हाइड्रोजन ट्रेन चलाना शुरू कर दिया है। पर इस वर्ष हमारे पास भी बहुत ही अच्छा मौका है कि हमारे देश में ये ट्रेन चलेंगी और आप अपना नया साल और उससे होने वाले पहला क्रिसमस ईव ये सबकी प्लानिंग कर सकते हैं। भले ही विश्व जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए अपनी तरफ से पर्याप्त कदम उठा रहे हैं, परंतु भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलाना ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। तो आशा करती हूँ हमारा देश और पूरा विश्व एक साथ आकर ये संकट आने से पहले इसका निवारण करेगा और ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने कदम एक साथ मिलजुल कर बढ़ाएगा। तो यह थी ग्रीन एनर्जी एवं हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर हमारी प्रस्तुति। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। मैं लैबा सिद्दीकी। मैं शैलूषी। बने रहिए हमारे चैनल एक सोच सच के साथ। जय हिंद।